प्रयागराज में दो पुलिस कर्मियों की आत्महत्या ने पुलिस विभाग को हिला कर रख दिया। पुरुष आरक्षी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, वही महिला सिपाही की लाश पलंग पर पड़ी थी। खबर पाकर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। दरअसल राजेश और प्रिया शाह नाम की आरक्षी शाहगंज थाना क्षेत्र के मिन्हाजपुर मोहल्ला में किराए के कमरे में रहते थे। राजेश सीओ पेशी कार्यालय में तैनात था, वही महिला आरक्षी संगम क्षेत्र के पर्यटन थाना में तैनात थी। मंगलवार की देर शाम दोनों ने आत्महत्या कर ली। प्रिया कानपुर व राजेश मूल रूप से मथुरा का रहने वाला था। पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुरुष आरक्षी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की है, जबकि महिला आरक्षी की लाश पलंग पर पड़ी थी। अब ये जांच का विषय है कि मार कर सिपाही पंखे से लटका है या दोनों ने आत्महत्या की है। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। जनपद प्रयागराज में तैनात दो आरक्षी हैं, महिला आरक्षी और एक पुरुष आरक्षी। महिला आरक्षी का किराए का कमरा है थाना शाहगंज में और उनकी तैनाती टूरिस्ट थाने पे है। 2020 बैच की हैं वो, और पुरुष आरक्षी जो हैं ये 2019 बैच के हैं और इनकी तैनाती ACP पेशी में है। महिला आरक्षी का जो किराए का कमरा है, इसमें आज ये इस पहले सूचना मिली थी कि उनकी दो के द्वारा लगता है आत्महत्या की गई है। प्रथम दृष्टया देखने में पुरुष आरक्षी जो हैं इनके द्वारा जो है वो फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। महिला आरक्षी की बॉडी जो है वो पलंग पर है। इसमें अभी और गहन जांच की आवश्यकता पड़ेगी कि उनकी डेथ का कॉज क्या है, किस प्रकार से वो डेथ हुई है। उन लोगों की कुछ जो आपस में बातचीत है, उस प्रकार का कुछ चैट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी और गहन जांच की जा रही है। महिला आरक्षी की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। पुरुष आरक्षी की डेथ का कारण प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उनके द्वारा फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म किया गया है। कोई सुसाइड नोट नहीं है। तो अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पुरुष आरक्षी के द्वारा या तो इनको महिला को जो है वो कुछ दिया गया या मारा गया, उसके बाद आत्महत्या की, या दोनों ने आत्महत्या की। ये जांच का विषय है, इस पर गहनता से आगे जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम होने के बाद और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो ये किस बैच के हैं और कहाँ के रहने वाले? मैंने बताया था 2020 बैच और 2019 बैच।